हमारा टॉपिक है AWS सर्टिफिकेशन के बारे में। AWS सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसको करने से क्या हमको लाभ होगा, किस तरह का जॉब मिलेगा, इसका करियर अपॉर्चुनिटी किस तरह का है, आजकल इसका कितना डिमांड है और इसका पे आउट कितना है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जानने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन का दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, हम आ गए हैं AWS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ हम देख रहे हैं AWS सर्टिफिकेशन के बारे में। सो दोस्तों, पहले AWS सर्टिफिकेशन होता क्या है। AWS एक अमेज़न का वेब सर्विस है जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करती है। जो हम लोग डेटा सेंटर, यानी जो हम लोग आजकल फिजिकली डेटा सेंटर में करते हैं, फिजिकली जो काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का नोट्स बनाना, सर्वर इंस्टॉलेशन करना, ये सब चीज़ जो है फिजिकल जो है हमको एक वेब सर्विसेज के माध्यम से AWS प्रोवाइड करता है क्लाउड फॉर्मेट में। सो दोस्तों, बात करते हैं पहले से सर्टिफिकेशन के बारे में कि AWS जो है किस किस तरह का सर्टिफिकेशन हमको प्रोवाइड करता है। देखिए, AWS जो है हमको थ्री टाइप ऑफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। पहला सर्टिफिकेशन जो होता है वो होता है एसोसिएट लेवल। एसोसिएट लेवल करने का मतलब ये होता है कि आप जो है एक टेक्निकल स्किल क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS के सर्विसेज को सीखना चाहते हैं। बेसिकली बोला गया है कि डेमोन्स्ट्रेट योर AWS टेक्निकल स्किल, टेक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग AWS सर्टिफाइड। आपको AWS सर्टिफाइड होने के लिए ये आपका पहला स्टेप है जो कि आपको करना पड़ेगा, वो है एसोसिएट लेवल। दूसरा स्टेप आपका जो है वो है प्रोफेशनल लेवल, मतलब कि आप जो है किसी एरिया में जो आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उस एरिया का आप प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें बोला गया है कि शोकेस योर एडवांस्ड AWS टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल एग्जाम रिक्वायर अ रिलेवेंट एसोसिएट सर्टिफिकेट। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे और आगे जानते हैं। एक और सर्टिफिकेशन AWS प्रोवाइड करता है जो है स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन। दोस्तों, जब एसोसिएट लेवल करते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो है आपको सर्विसेज सीखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया में, कोई एक पर्टिकुलर सर्विसेज में आप उसके मास्टर बनना चाहते हैं, उसमें स्पेशल स्किल तैयार करना चाहते हैं, स्पेशल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस करियर पाथ के बारे में जानते हैं, इसका डिटेल्स और हम लोग जानते हैं करियर रोड मैप क्या है। तो हम लोग इसका वेबसाइट के मेन पेज में जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बोला गया है कि AWS का जो करियर पाथ है, AWS का जो सर्टिफिकेशन जो पाथ है वो तीन टुकड़ा में डिवाइड किया गया है। देख पा रहे हैं, वो पहला आपका है टुकड़ा है वो है आर्किटेक्ट लेवल का, दूसरा जो है वो है डेवलपर लेवल का, तीसरा जो है ऑपरेशन लेवल का। दोस्तों, ये सब सर्टिफिकेशन करने से पहले आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पहले से ही नॉलेज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि आप क्लाउड क्या होता है, ये कैसे काम होता है, आपको इसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों नहीं नॉलेज है तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। आपको जो स्टार्ट जो करना पड़ेगा वो AWS सर्टिफाइड क्लाउड पार्टिशनर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आप इसको कर भी सकते हैं, इसको नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम क्लाउड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको यहीं से शुरुआत करना ज़रूरी है। तो जनरली दोस्तों, हम देखते हैं कि जो लोग थोड़ा सा नेटवर्किंग में काम कर चुके हैं, सिस्टम में काम कर चुके हैं, सिस्टम एडमिन काम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसके पास जब नॉलेज होता है तो वो डायरेक्ट जो है इसका स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, यानी एसोसिएट लेवल से कर सकते हैं। हम लोग का जो पहला जो एसोसिएट लेवल देख पा रहे हैं जो कि आर्किटेक्ट का है, वो है AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। वो क्या है, AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। आप जिस फील्ड में इसमें आगे बढ़े हैं उसी के पैरेलल में ये प्रोफेशनल लेवल है।
आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन आर्किटेक्ट लेवल का जो सर्टिफिकेशन है, ये मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड में। सबसे अधिक लोग इसी सर्टिफिकेशन को कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में सारा का सारा जो है इनिशियल सिलेबस अटैच्ड होता है, सब कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये वही लोग कर पाएंगे जो लोग एडमिन लेवल में काम करते हैं इंडस्ट्री में, उन लोगों के लिए बेस्ट सर्टिफिकेशन है। लेकिन जो लोग डेवलपर है, जो लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जिसके पास डेवलपिंग का नॉलेज है, तो वो जो है डेवलपर ट्रैक में आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह जो है AWS सर्टिफाइड डेवलपर है, एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल। जो लोग जो है ऑपरेशनल लेवल में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग देखते हैं, वो लोग क्या है कि उसी तरह जो है सिस्टम ऑप्स में एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सिस्टम डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस तरह से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम जाने कि AWS का इनिशियल सर्टिफिकेशन क्या होता है। दैट इज दोस्तों, आर्किटेक्ट का जो सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है। इसमें इंटर करने के लिए आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का कोर्स करना पड़ेगा। करने के बाद अगर कुछ साल इंडस्ट्री में काम करते हैं, 2 साल 3 साल काम करते हैं, या 1 साल भी अगर काम करते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज हो जाता है, तो आप आगे प्रोफेशनल लेवल के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, स्पेशल कोर्स के बारे में बात करें जिसमें स्पेशलाइजेशन AWS प्रोवाइड कर रहा है, वो फिलहाल अभी दो तरह के कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहा है। एक क्या का नेटवर्क के ऊपर में, अगर आपका नेटवर्क का नॉलेज अच्छा है, नेटवर्क के ऊपर अच्छा से काम करना चाहते हैं, तो उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डेटा से संबंधित आप काम करना चाहते हैं, डेटा में आपका अच्छा सा नॉलेज है, तो आप बिग डेटा के ऊपर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था AWS का करियर पाथ, सर्टिफिकेशन पाथ, कि हमको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक हम जा करके पहुँचेंगे। ये है आपका सर्टिफिकेशन पाथ। दोस्तों, सबसे बड़ा जो बात होता है वो होता है कि सैलरी का। अगर हम AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं, अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो हमारा सैलरी क्या होगा। हाँ दोस्तों, सैलरी तो हम चलते हैं वेबसाइट में, जो प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी जो है इस समय में सैलरी की जो है AWS एसोसिएट को क्या मिल रहा है। देखिए, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर payscale.com, जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ पर हम सब तरह का जो है सैलरी स्ट्रक्चर जान पाते हैं। देखिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट सैलरी जो है इंडिया में क्या है। बोला गया है कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट सैलरी जो इंडिया में जो अर्न कर रहा है, वो है एवरेज जो है पर ईयर जो है वह 15 लाख के आसपास में। कहा जा रहा है कि अगर मैं एवरेजली पूरे इंडिया को एवरेज मान करके मैं एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस को मिला करके अब एवरेजली अगर बातें करूं, तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, वहां पर हम देख पा रहे हैं 7 से लेकर के 25 लाख तक आपको एनुअल पैकेज मिल सकता है अगर आप फ्रेशर हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है उस अनुसार। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि अगर ओवरऑल मैं करूं तो 8 से 28 लाख तक सैलरी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पैकेज अभी मिल रहा है AWS करने से। दोस्तों, हम देखते हैं कि अच्छा, तो यहाँ बात हो गई कि करियर के बारे में बात हो गई, यहाँ बात हो गई सैलरी के बारे में बात हो गई, लेकिन ये कितना डिमांडेड है ये भी हमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि डिमांड अगर रहेगा इस जॉब का, तभी ये जॉब करने से फ़ायदा है, अदरवाइज हमें जॉब करके वही सर्टिफिकेशन करके उस तरह का जॉब नहीं पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम चले गए हैं फॉर्ब्स के सबसे वेबसाइट में, जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, जो लोग अधिकतर जो है जो भी पोस्ट करते हैं वो काफ़ी मान्यता प्राप्त पोस्ट होता है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टॉप 15 IT कंपनी जो पे कर रही हैं, उसमें से सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है लीड कर रहा है। मतलब सबसे अधिक जो है यही कंपनी पेमेंट दे रही है, और इसका डिमांड जो है काफ़ी अधिक है। देखते हैं डिमांड क्या है। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि अमेज़न वेब सर्विस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का सबसे अधिक सैलरी है, और सबसे अधिक ये जो है डिमांडेबल जॉब है, डिमांडेबल सर्टिफिकेशन है। सो दोस्तों,
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको AWS के बारे में, सर्टिफिकेशन बारे में समझ में आया होगा, आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए करना चाहिए, आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना का जॉब आप पा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको नए नए इसी